भारतीय इतिहास में शौर्य, त्याग एवं बलिदान की प्रतिमूर्ति हैं महाराणा प्रताप। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। यूं तो भारत माता की कोख से बढ़कर एक महान सपूतों ने जन्म लिया है, जिन्होंने अपने सर्वसुख सुखों को त्याग कर पूरे मनोयोग के साथ अपनी मातृभूमि की रक्षा की है। ऐसे ही महान सपूतों की श्रेणी में नाम आता है महाराणा प्रताप का। भारत के इतिहास में महाराणा प्रताप का नाम साहस, शौर्य, त्याग एवं बलिदान का मूर्त रूप है। मेवात के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा अमीर, राणा सांगा एक से बढ़कर एक महान प्रतापी शूरवीर हुए हैं, जिन्होंने आक्रमणकारियों से लोहा लेकर उनको धूल चटाई। वे सभी राणा के नाम से जाने जाते हैं, परंतु महाराणा का गौरव युक्त संबोधन केवल प्रताप सिंह को ही मिला, जिससे उनका पूरा नाम महाराणा प्रताप हो गया। 9 मई को पूरा भारतवर्ष महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा को याद कर उन्हें नमन करता है। इसी कड़ी में हरियाणा के रेवाड़ी में भी दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित बनीपुर चौक से लेकर रेवाड़ी शहर के महाराणा प्रताप चौक तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वह महाराणा प्रताप के शौर्य को याद किया गया। जंगल में अभाव के बीच रहकर मुगल आदताई अकबर के दांत खट्टे करने वाले महाराणा प्रताप की जयंती पर युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, वहीं उनके बताए रास्ते पर चलने का भी प्रण लिया। शोभा यात्रा के दौरान हिंदुस्तान की आन बान व शान के प्रतीक महाराणा प्रताप की वीरता के किस्से सुनाए गए। शोभा यात्रा में शामिल वक्ताओं ने कहा कि अगर महाराणा प्रताप भी अन्य भारतीय राजाओं की भांति सहूलियतों के लालच में आकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते तो आज भारत हिंदुस्तान की जगह मुगलिस्तान के नाम से जाना जाता। उन्होंने अपना राजपाट खोकर जंगल में दिन बिताए, वे घास की रोटियां खाई। एक बार तो उनके पुत्र अमर सिंह के हाथ से घास की रोटी का भी एक वन विलाप ले भागा तो वह रो पड़े, जिसका राजस्थानी कवि कन्हैयालाल सेठिया ने अपनी कविता में कुछ यूं उल्लेख किया है। अरे घास री रोटी ही जद वन बिलवावड़ो ले भागो, नन्नो सो अमरियो चीख पड़ा राणो रो सोयो दुख जागो। ऐसे में आज का दिन बेहद अहम व खास है, युवाओं के लिए बेहद खास। आज के दिन को याद रखने की जरूरत है, ताकि महाराणा प्रताप के शौर्य से शिक्षा लेकर देश की अखंडता के लिए लोग काम कर सकें। महाराणा प्रताप का 482वां जो जन्मदिवस है, उसके उपलक्ष्य में हम शोभा यात्रा निकाली हमने बावल के बनीपुर चौक से और ये रेवाड़ी के महाराणा प्रताप चौक तक। और अब महाराणा प्रताप को हम अपने सभी पूरा समाज इकट्ठा होकर उनके जीवन को समर्पित अपने श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, और उसी के लिए रिगार्डिंग ये प्रोग्राम समाज को मैसेज देना चाहेंगे कि महाराणा प्रताप पूरे भारतवर्ष का एक सबसे प्रसिद्ध और सबसे शूरवीर योद्धा था। आज अगर हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो ये सिर्फ महाराणा प्रताप की देन है। अगर महाराणा प्रताप उस टाइम अकबर की पराधीनता स्वीकार कर लेते तो शायद आज हिंदुस्तान हिंदुस्तान ना होके मुगलिस्तान होता। ऐसे बेताज बादशाह, ऐसे सूरवीर को हम बार बार प्रणाम करते हैं, और उनके जन्मदिवस पर आज ये पूरा राजपूत समाज रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुआ है। महाराणा प्रताप का